नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल तांत्रिक विद्या समाधान और पूजा विधि पर। दोस्तों, जो ब्रह्म को जानने वाला अपने ज्ञान और सर्वत्र ब्रह्म रहस्य से सब कुछ जानता है और यदि वह आवश्यकता अनुसार मारण प्रयोग करे तो दोस्तों वह उचित होता है। लेकिन दोस्तों, यह विधि काफ़ी खतरनाक होती है, इसीलिए इसको करने से पहले किसी ज्ञानी पुरुष की सलाह अवश्य लें। और दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, इस विधि को किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं, लेकिन उस दिन भरणी नक्षत्र होनी चाहिए। यानी दोस्तों, जिस दिन आपका मंगलवार होता हो और दोस्तों उस दिन भरणी नक्षत्र लगी हो, आप उसी दिन इस कार्य को संभव कर सकते हैं। दोस्तों, इस विधि को करने के लिए किसी भी मंगलवार के दिन रात्रि में चुपचाप किसी को बताए बिना आप शमशान घाट में चले जाएं। अब दोस्तों, वहां पहुंचने के बाद किसी भी जलती हुई चिता से थोड़ी सी लकड़ी ले लें। यानी दोस्तों, एक हाथ की या एक आंगुल की आप लकड़ी ले लीजिए और वह लकड़ी आधी जली हुई और आधी बिना जली हुई होनी चाहिए। अब दोस्तों, उस लकड़ी को अपने दुश्मन के दरवाजे पर गाड़ दें या उसके दरवाजे की चौखट के पास में नीचे ज़मीन में गाड़ दें। दोस्तों, जैसे ही आपका दुश्मन उस लकड़ी को जितनी बार लांघेगा, दोस्तों धीरे धीरे वह कमज़ोर होता जाएगा। दोस्तों, एक महीना पूरा होते ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। यानी दोस्तों, यदि वह दरवाजे के पास लगी हुई लकड़ी को एक महीने तक लगातार आवागमन करता रहेगा, लांघता रहेगा, तो दोस्तों वह धीरे धीरे कमज़ोर होकर एक महीने के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी और दोस्तों आपका दुश्मन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसमें कुछ सावधानियां भी हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, लकड़ी को दुश्मन के दरवाजे पर गाड़ते समय कोई आपको देखे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, शमशान की लकड़ी को दुश्मन के मुख्य द्वार पर गाड़िए जहाँ से वह आता जाता है। यानी दोस्तों, आप ऐसे दरवाजे पर मत गाड़ दीजिएगा जहाँ से वो बिल्कुल आता जाता ना हो, नहीं तो दोस्तों आपका काम नहीं होगा और आपका दुश्मन वैसे ही बना रहेगा। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नमस्कार।